सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।
शाम्भवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा लेखवर्णा च पाटला पाटलाभति भट्टाम्बर परिधान कलमञ्जीरञ्जिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मदङ्गा मुनिपूजिता भामे माहेश्वरी चन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा देव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषादिः विमलोत्कर्षण ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहनवाहना विषम वशम वहरणे महिषासुरमर्दिनी मधुकेतवहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाश्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकशस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती जतिः अप्रौढा देव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रे सवस्विनी नारायणे भद्रकाले विश्वमाया जलाधरी शिवधूती करारी च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मभासिनी या इदं ब्रह्मणे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु मार्भति धनं धान्यं सुतं जायां हयमस्मिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्ते लभेर्भक्तिं च शाश्वते कुमारे पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरी पूजये परया भक्त्या वधे नाम शताशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरवरैरपि राजानो दासलाभजाते राज्यस्वयमवाप्नुयात् घोरोचनालक्षणकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्वयेन विरक्षयन्द्रं विदिना विदिघ्यो भवे सदाधार्यते पुरारिः भौमावास्यानि रामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलिख्य प्रभणे सौत्रं सर्वे सम्पदाम्बज प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुह के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्तिभाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म
मां भगवती की स्तुति इसका क्षेत्रफल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धान की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां की कृपा से मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन में मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टम छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरोभिरबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन यमेऽभिनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेनुवाच ॐ जगृह्यं परममलोके सर्वरक्षाकरं हृणां यज्ञकस्य गिराजातं तन्मे रोहि पितामहः ब्रह्मोवाच अस्ति गुयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यासुरजपुण्यदशरश्यामहामुने प्रथमं शैलपुत्री च तृतीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति दशमं नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे वा महात्मना अनिनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गदारणे भीषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि देशभक्त्यासुदानानां तेषां वृद्धिः प्रजायते देवां सुवन्ति देवेति लक्षदेतान संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिकलसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सुशिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना भ्रामे हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता वित्तेदामातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिं हलं स मुसलायुधं केडनं दोमरं सैवापरशौ पाशमेव च कुन्द्रायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् धैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्रायुधानिधं देवानां महिलाय मे नमस्यन्तो महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयभिनाशिनि प्राहि मां देवि दुःश्रेष्ठे शत्रुणां भयवर्धिनि
देवी कला भवे तस्वैलाजिता जीवेन्वर्षग्राम विवर्जिता पश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरम् जङ्गमम् जैवाकृतमम् व्याभियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतलः केचरा शैव जलजाशमदेशिनाः सहजाकुलजामालाढकिनीशाकिनी तथा अन्तरिक्षाचरा गौराढकिन्यक्ष महाबलाः ग्रहभूतविशालाश यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्मगा वैरवादयः नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचैः संस्थिते मानो नतिर्भवेदाज्ञस्तेन वृद्धिकरं वरम् नृतसा वर्धते सौमेकेति मण्डितभूतले यमेशं दण्डिं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलम् दत्ते शशैलावनकारणम् तावत्तिष्ठति मे जन्या सन्ततिः पुत्रपातिनी देहान्ते परमवसानम् यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमम् रूपम् शिवेन सह रोदते अथ अर्गलास्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषे कर्णष्टभछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठागत्वेन यमे विनियोगः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमाशिवदात्रे स्वाहा सदा नमस्त जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमस्त मधुकैटवविद्रामे विधात्रे वरदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि दुशो देहि दुशो दहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानाम् सुखदे नमः रूपम् देहि जयम् देहि दुशो देहि दुशो दहि रक्तबीजापते देवे चण्डमुण्डाभिनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि दुशो देहि दुशो दहि शुम्भस्यैव न शुम्भस्य धूम्राक्षस्य च वर्धिनि रूपम् देहि जयम् देहि दुशो देहि दुशो दहि वन्दिताग्रे जुगे देवे सर्वसौभाग्यदायिनि रूपम् देहि जयम् देहि दुशो देहि दुशो दहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि दुशो देहि दुशो दहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्ड्रिके दुर्गामहे रूपम् देहि जयम् देहि दशो देहि दुशो दहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वम् त्वाम् चण्ड्रिके व्याधिनाशिनि रूपम् देहि जयम् देहि दशो देहि दुशो दहि चण्ड्रिके सततम् जेतामर्चयन्ति भक्तितः रूपम् देहि जयम् देहि दशो देहि दुशो दहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमम् सुखम् रूपम् देहि जयम् देहि दशो देहि दुशो दहि विदेहि दुषताम् नाशम् विदेहि बलमुच्छगैः रूपम् देहि जयम् देहि दशो देहि दुशो दहि विदेहि देवि कल्याणम् विदेहि परमम् श्रियम् रूपम् देहि जयम् देहि दशो देहि दुशो दहि सुरासुरशिरारत्नानिकृष्टाचरण्यम्बिके रूपम् देहि जयम् देहि दुशो देहि दुशो दहि विद्यावन्तम् यशस्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् गुरु रूपम् देहि जयम् देहि दशो देहि दुशो दहि प्रचण्डदैत्यदर्वग्रचण्ड्रिके प्रणताय मे
रूपं देहि दयं देहि दशा देहि दिशा जहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संसुदे परमेश्वरी रूपं देहि दयं देहि दशा देहि दिशा जहि कृष्णेन संसुदे देवे शश्वद्भक्त सुधाम्भिके रूपं देहि दयं देहि दशा देहि दिशा जहि हिमाचल सुधानाथ संसुदे परमेश्वरी रूपं देहि दयं देहि दशा देहि दिशा जहि इन्द्राणि परिसर्वाभा पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दिशा जहि देवी प्रचण्ड दुर्दण्डा दैत्यदर्भा विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दिशा जहि देवी भक्तजनोधाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि दशा देहि दिशा जहि पदनी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोत्सवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठे नरः स तो सप्तशति सङ्घं भवनमापनोति सम्पदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषेः अनष्टमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बापितरः सप्तशतीपाठगत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मायकण्ठयोहाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय तुलदेदव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम् स्वविक्षेपमवाप्नोति सततं व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तचाटनाधीने वस्तूनि सकलानपि एतेन सुवतां देवे सूत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रालौषधं तत्र न किञ्चिदभिद्धते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनाधिकम् समग्रालपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्काभिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकायास तच्च गौतं जकारसः समाप्तेण्डजमुण्यस काव्यथा वङ्गयन्त्रणा स्वभिक्षेपमभाप्नोते सर्वमेव न संश्रयः कृष्णाया वाचतुर्दश्यामष्टं व्यावासमाहिलः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सद्गुणम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव कटतस्तस्य भयं प्राभिह जायते नापवित्रो वशं जाते मृतो मोक्षमभाप्नुयात् यत्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति तदा गात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिजलकैते दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्र सादेन तेन याप्यामिदं शुभम् शनास्तु जप्यमानास्मि स्तोत्रे सम्भक्तिरोच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्र सादेन सौभाग्यराज्ञसम्पदः शत्रुहानिः परमक्षः स्तूयते साढगञ्जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र वैगिरिनन्दिनि नन्दितमे दिनि विश्वविनाथिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरासिनि वासिनि विश्वविलासनिरे सुनुते भगवति हैषदि कण्ठकटम्बिनि भोरिकटम्बिनि भोरिकृते जय जय महिषासुरवर रम्यकवरदिनि शैलसुते दुरवरवर्षिनि दुरधरधर्षिनि दुरमुखवर
Thank you.
तीसमा सक्षमा प्रार्थना है अक्षम प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरन शमया दासायामिते परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि अपराध शतं कृत्वा जगदं भेति गोचरे यां गतिं समभापनोति न तां ब्रह्मादयासुराः सापराधोऽस्मे शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके विधाने मनुकं प्रोह यथेच्छसि तथ अज्ञानाधिस्मृतेरभ्रान्त्या जन्योरमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कालेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे गृहानाचाभिमां प्रेत्य प्रसीद परमेश्वरि गुह्याति गुह्यगोप्रेत गृहारास्वत्कृतं जप सिद्धिर्भवतु मे देवि तत्र साधा सुरेश्वरि सचियं ज्योतिर्बलि माता तेरी सदा सत्य मनोर्थ पूर्ण कर्ण वाली माता तेरी सदा हिज सबको सद्बुद्धि देन वाली माता तेरी सदा हिज बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तियन भक्ति भाव से हृदय से वाणी निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजन्य का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निजी रूप से माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, माँ को नमस्कार करते हैं, इस माँ जगजन्य जगत माता की माता महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की उन शरणान भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती हैं। और जय भगवती आदि शक्ति हर स्थान पर देश विदेश में
हर क्षण हर पल अंग संग उनकी रक्षा करती हैं, सब ओर से उनका कल्याण करती हैं और सर्वत्र माँ की कृपा से उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। वह जिस जिस कार्य के लिए भी अग्रसर होती हैं उन कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है, उनकी समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, उन्हें परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, वे शत्रु और विजय प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए इस मजगजन्य जगत माता की आराधना करते हुए वह परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रजतन पूर्वक ये देवी की पूजा ये शक्ति उपासना जो है ये अवश्य करनी चाहिए। अभी कल से अप्रैल से जो है जी बसंत के नवरात्र जो है ये प्रारंभ हो रहे हैं, ये बड़े ही उत्तम दिन होते हैं माँ भगवती की। 9 दिन की जो विशेष पूजा की जाती है, ये नवरात्र के दिन में 9 दिन जो शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचय दिन होते हैं, जिसमें भक्तजन जो है माँ भगवती के विशेष दिन जो विशेष जो है ये 9 दिन जो है माँ भगवती की उपासना करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, जप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, शाखा रोपण करते हैं, कल स्थापन करते हैं, इस प्रकार माँ के अखंड जो जगा करके माँ से 9 दिन जो है विशेष माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हमसे किसी प्रकार से भी कोई अपराध हुआ हो कोई पाप हुआ हो तो हमें क्षमा करना, हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमारे घरों में जो है लक्ष्मी को विराजमान होकर के अवधि को देना, उन्नति को देना, सुख देना, शांति देना और जो भी कार्य जो है वह उन कार्यों में हमें सफलता देना, किसी प्रकार की जो विघ्न बाधा है उन विघ्न बाधाओं को दूर कर करके सर्वत्र जो है हम भक्तों का आप कल्याण करना, इस प्रकार संकल्प करते हैं और भगवती की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ को रिझाने के लिए कि भगवती प्रसन्न हो जाए और माँ का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि जिन भक्तों पर ये भगवती प्रसन्न हो जाती है, जिन भक्तों पर इस जगजन्य जगत माता आदि शक्ति की कृपा हो जाती है उनकी जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो नवरात्रों में जो मैं सायंकाल को बतलाया था किस प्रकार शाखा रोपण करना है और कल स्थापन करना है, ये कल स्थापन शाखा रोपण जो का समय जो है ये कल जो है 12:06 से लेकर के जो है यह 12:54 तक जो है ये रहेगा, अर्थात 12 और 1 के बीच में जो है ये समय है ये जो है मुहूर्त जो है अभिजित मुहूर्त में जी शाखा रोपण एवं जो है ये कल स्थापन किया जाएगा, क्योंकि कल जो है सारा दिन जो वैदृत योग है और वैदृत योग जो है जो त्याज्य होते हैं, इसलिए अभिजित मुहूर्त में जो है आप शाखा रोपण एवं सा जो है कल स्थापन जो करें और माँ भगवती की पूजा जो है जे आप करें, माँ की आराधना माँ की अर्चना जो है और प्रार्थना करें, क्योंकि ये 9 दिन जो है माँ भगवती के विशेष दिन होते हैं, ये शक्ति पूजन के जो दिन होते हैं इससे भक्त जन जो है ज्ञान शक्ति धन शक्ति बुद्धि शक्ति अन्य शक्तियों को अर्जित करने के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं और भगवती उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो है वह सिद्ध होते हैं। नवरात्र में जो है ये कन्या पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है और इस प्रकार कन्या पूजन जो है किस प्रकार से करना चाहिए, तो नवरात्र में 9 दिन जो कन्या पूजन का श्रीमद् भागवत में जो है जो वर्णन मिलता है उसमें कहा है कि एकोत्तर वृद्धि कि प्रतिदिन प्रथम नवरात्र को 1 कन्या का पूजन, दूसरे नवरात्र को जो है 2 कन्या का पूजन, तीसरे को 3 कन्या का पूजन, इस प्रकार से प्रतिदिन 1-1 कन्या की वृद्धि करते हुए जो है और 9वें दिन जो है ये 9 कन्या का पूजन 1 भीर लोकड़े का पूजन कर करके जो है आप व्रत का पारण करें। कुछ लोग अष्टमी के दिन जो है वह पूजन कर करके जो है वह पारण व्रत का पारण करते हैं, तो इसलिए जो है अष्टमी दिन जो है 9 कन्या का पूजन 1 भीर लोकड़े का पूजन कर करके आप पारण कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जो कन्या पूजन एकोत्तर वृद्धि
जे इस प्रकार से कन्या पूजन जो है ये किया जाता है। इसी प्रकार से फिर कन्या पूजन जो है एक कन्या की पूजा से जो है परम ईश्वर की प्राप्ति होती जी विधान है। और चारों वर्णों की कन्या का पूजन जो कर सकती हैं, किस कार्य के सिद्धि के लिए आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसके लिए चारों वर्णों की कन्या का पूजन जो बतलाया गया है। यदि ज्ञान की प्राप्ति के लिए विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए जो है आप माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं तो उसमें ब्राह्मण कन्या का पूजन जो सद्य फलदायी बतलाया गया है। फिर जो है आप जो है यदि शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए आप भगवती की आराधना कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं तो उसमें क्षत्रिय कन्या का पूजन जो है विशेष फलदायी बतलाया गया है। फिर धन प्राप्ति के लिए जो है आप जो है कारोबार के वृद्धि के लिए आप जो है वह भगवती का पूजन कर रहे हैं मां से प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें वेश करने का पूजन जो है वह सद्य फलदायी बतलाया गया है। फिर रोग निवृत्ति के लिए कोई ऐसा असाध्य रोग है जिसका उपचार नहीं होता ही तो ऐसे में जो है कहा गया है कि शूद्र करने का पूजन जो है सद्य फलदायी जो है ये बतलाया गया है। तो चारों वर्णों की कन्या का पूजन जो है आप कर सकते हैं। जिस कार्य के सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो फिर उस प्रकार से आप पूजन करें। और फिर जो है ये प्रतिदिन जो है एकोत्र वृद्धि कन्या का पूजन जो बतलाया गया जो है एक कन्या का पूजन करने से परम ईश्वर की प्राप्ति होती है। दो कन्या के पूजन जो है ये करने से जो है ये भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात संसार में सब प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और अंत में परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तीन कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ काम जो है ये तीव्र की जो है ये कामना जो व्यक्ति की अर्थात धर्म उसकी मति जो धार्मिक होती है धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म से कोई विचलित नहीं होता अर्थ जो धन की प्राप्ति होती है और काम कामना की पूर्ण होती है। तो धर्म अर्थ काम जो है तीव्र की प्राप्ति होती है। और चार कन्या के पूजन से जो है राज्यपद की प्राप्ति होती है। पांच कन्या का पूजन करने से विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और छह कन्या की पूजन करने से षट कर्म जो है जिनमें जो सिद्धि प्राप्त होती है। सात कन्या जो है ये पूजन करने से परम राज्य की अर्थात सब प्रकार सुखों की प्राप्ति होती है। आठ कन्या का पूजन जो करते हैं ये सुख संपदा की प्राप्ति होती है। और जो नौ से जो है नौ कन्या का पूजन करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की जो है प्राप्ति होती है अर्थात इस संसार में सब प्रकार के भोगों को प्राप्त करता हुआ उसका यश उसका मान उसकी कीर्ति अटल बन जाती है और परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देवी पूजा की जो कन्या पूजन जो की जाती है शक्ति उपासना में जो है ये इसका फल होता है। फिर कहे हैं कि कन्या पूजन जो है जो दो वर्ष लेकर के दस वर्ष तक की कन्या का पूजन जो है ये सद्य फल बतलाया गया है। दो वर्ष की कन्या इससे नीचे नहीं तो दो वर्ष की कन्या जो है जे कुमार कही गई है। और तीन वर्ष की कन्या जो है जे त्रिमूर्ति कही गई है। चार वर्ष की कन्या कल्याण जो परम कल्याण को देने वाली होती है। पांच वर्ष की कन्या जो है ये रोहिणी कहलाती है। छह वर्ष की कन्या जो है ये काली कहलाती है। सात वर्ष की कन्या जो है ये चंडिका का रूप होती है। और आठ वर्ष की कन्या जो है शांभवी तथा नौ वर्ष की कन्या जो है दुर्गा और जो दस वर्ष की कन्या जो है ये सुभद्रा जो है स्वरूपा होती है ये इनके स्वरूप है। इस प्रकार नौ दिन की साधना जो है ये दो वर्ष की कन्या से लेकर के जो है दस वर्ष तक की कन्या का पूजन जो है ये करना चाहिए। इससे न ऊपर न इससे नीचे जो है दो वर्ष से नीचे की कन्या का पूजन जो है ये वर्जित बतलाया गया है। इस प्रकार से इन नवरात्रों में जो है ये भगवती की आराधना जो है इसका विशेष फल बतलाया कैसे हम पूजा करें। और जो है आप जो है माँ भगवती के बीज मंत्र कोई भी मंत्र लेकर के दुर्गा सप्तशती का उसके द्वारा आप जप करें। और नौ दिन जो है ये विशेष जो है फल होते हैं। कहते जो तो प्रतिदिन जो है भगवत की आराधना करते हैं जब जो है माँ के जो विशेष दिन होते हैं शक्ति के जो विशेष दिन होते हैं इन विशेष दिनों में एक उत्सव के रूप में जैसे बेटी की शादी होती है इस उत्सव के रूप में इस पर्व को पर्व के रूप में जो है जब मनाना चाहिए उत्सव के रूप में इसे मनाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक घरों में जो है नवरात्रों से पहले ही तैयारी जो प्रारंभ हो जाती है। माँ के दरबार में शक्तिपीठ जो है जहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से तैयारी जो की जा रही है इस तरह से ये जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ को रिझाने के लिए किसी तरह से माँ प्रसन्न हो जाए माँ का आशीर्वाद जो है वह प्राप्त हो जाए तो इसलिए जो है ये भगवती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। और फिर नवरात्रों में यहाँ पर सचंडी महायज्ञ किए जाते हैं जो विश्व शांति के लिए विश्व कल्याण के लिए जितने भी जो भक्त जो है उनके कल्याण के लिए
जो है सचंडी यज्ञ किए जाते हैं और यज्ञ के जो है उससे प्राप्त होने वाला फल जो है वह पूरे विश्व में वह शांति दे, सुख दे और सबका कल्याण करे। यही एक कामना होती है, संकल्प होते हैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए। जो 9 दिन जो है भगवती विशेष साधना जहाँ पर जो की जाती है और जो दिन जो है बड़े हर्षोल्लास से जो सबको मनाने चाहिए, क्या चाहे बाल हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, नर हैं, नारी हैं, सबको जो है माँ की पूजा माँ की आराधना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि शक्ति बिना कुछ भी संसार के पत्थर ढूंढ नहीं सकता। जब व्यक्ति शक्ति संपन्न होते हैं तो उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। शक्ति बिना वह कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वह धन शक्ति है, चाहे ज्ञान शक्ति है, चाहे शारीरिक शक्ति है, अन्य जितनी भी शक्ति है। जब व्यक्ति जो है शक्ति संपन्न होता है तो भी सब प्रकार के कार्य करने में वह सफल होते हैं। उन शक्तियों को देने वाली जो है जय भगवती है। अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्या ईश्वत वश ये 8 प्रकार के सिद्धि जो है जो बतलाई गई है। ब्रह्म विवर्त पुराण में जो है ये सिद्धि जो 18 प्रकार की बतलाई गई है। इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने शक्ति की उपासना की, जिससे उनका शरीर जो आधा शक्ति का हो गया, नारी का हो गया और भगवान शिव जो है अर्ध नारीश्वर कहलाए। इसलिए इन शक्तियों को देने वाली जय भगवती ही। और 9 दिन जो है आप जो है जितना जप कर सकते हैं माँ के नाम का जप करें, माँ की पूजा प्रातः काल सायंकाल जो है माँ की आरती करें, परिवार एकत्रित होकर के माँ की जोत जगाएं और प्रार्थना करें भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए। माँ की आप पर कृपा होगी और भगवती की कृपा से आपकी समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होगी। आप सभी जो है माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र जो परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं और माँ के दरबार में आकर के इस पिंडी रूम में माँ के दर्शन करते माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों को इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है और इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा उन पर बनी रहती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग दिना से मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरोवाली जी का की जय। शेरों वाली माँ हमें तेरा ही सहारा है। सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें। आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादे पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। बिगड़ी बनाई सदा काज सवारा है।
तू
Oh,
सकनी हरा जयकारा शेरावाली जय बोल सच्चे दरबार की जय सच की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माया शोभा मैं गाऊं मई तेरे भवन की आज उजाला कर दे की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माया शोभा मैं गाऊं मई तेरे भवन की आज उजाला कर दे मां आज उजाला कर दे की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला
सिद्ध हंस भ्रमते गगने दक्षिणे चतुस्त्र वामे हस्त दिभ्यां भ्रकणकमयां पुस्तकं जनगम्य सभिना भदन्ते स्वकर्कजपे शास्त्र विज्ञान शब्द क्रीडन्त दुभरूप करकमलधर भारती सुप्रसन्न सच्य ज्योतौ वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संवाद 2075 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज 23 प्रविष्ट ही कृष्ण पक्ष आज अमावस्या तिथि ही और अमावस्या तिथि जो है ये 2:21 रहेगी उसके उपरांत प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी शुक्रवार तदनुसार 5 अप्रैल सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्व पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूर्भुवः कर्णे धने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पूर्णतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रणाम देशो शरीर वर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शिवमानमहीयते धनं धान्यं पशो बहुपुत्रलाभ सत्संवत्सर दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करे बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हैं। ओम जय अम्बेगर मैया जय Oh, man.
कल प्रथम नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। कल सायंकाल की आरती जो का समय जो है बदला जाएगा। कल सायंकाल की आरती जो है यही 7:20 पर जो है इसका प्रसारण जो होगा दरबार से। कल सायंकाल की आरती का समय जो चेंज किया जाएगा, क्योंकि जो है गर्मियों में जिस समय परिवर्तन किया जाता है, तो कल सायंकाल की आरती जो है जिस 7:20 जो है जय प्रारंभ होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक
अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आर्थिक वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। हे प्रेम से वाला जय माता दी, मन वाला जय माता दी, सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, संभल करके बोलना है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, विशो देहि दिशो जहि, विशो देहि दिशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। पूर्व बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय स्मरण शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आठ पैर सो सठ गड़ी यो चरणा दा ध्यान जय Thank you.
चक्रदेशु चाप वैघान शूलं पशुनिर्भिरा शङ्खं कन्दतिं करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्रद्धिमाशपाददशतां सेवे महाकालिकां यामस्तु सभिदेहलोकमलजो हन्तं मधुकेतवम् अक्षद्रग्वर्षं गदेषु कुलिशम् पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं वासुसुदर्शने च धरति हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेवमर्दने महिमः लक्ष्मी सरोजस्य तां घण्टा शूलहलानिशङ्कमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताभेदर्गैन्द्रनान्तविलसत् श्वेताशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिगणताधारभूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुवजे शुम्भाभिदित्यादने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो चषका त्वमेव त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवाह्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विश्वभवरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं विशदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल मोहन किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तुते हे माय मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लुंगड़ा भीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्र जयकारा माँ शेरावाली दा बोलो सांचे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। ओम जगदीश नमः श्री महाकाले महालक्ष्मी महाकृष्ण नमः ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सत्तम नमः नमः देवते रत्नाय नेतारं कामकाम नन्दधारां भैरवशं कृष्णाङ्गेश्वरं ईश्वरं सर्वभूतानां कामदेवी नमः ओम प्रथम सं अष्टम सं द्वितीयं सं तृतीयं सं भूतं सं कृष्णाङ्गेश्वरं पञ्चम सं आत्मे सं षष्ठम सं अष्टमे सं
Yeah.